गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 11। वेलकम टू दिस व्लॉग। मैंने बोला था कि मैं आज सुबह से जाऊंगा जिम, लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि कल रात पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई बिल्कुल। मतलब इतनी सी भी नींद नहीं आई। मैं करीब 5:30 या 6 बजे के करीब सोया हूँ सुबह, और अभी मेरा एक सेशन है, मुझे वो अटेंड करना है। एक्चुअली वो कॉलेज वालों ने ही शेड्यूल कराया था, तो वो एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग है जो हर किसी के लिए मैंडेटरी कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जो भी MBA कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं या फिर BSc कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड किसी भी चीज़ में, तो वो मैंडेटरी ट्रेनिंग है। तो मेरी वो ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, 2-3 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं जा रहा हूँ वो अटेंड करूँगा। जो मेरी ट्रेनिंग, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा एक सेशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया है। अब बस इसका एक Q&A सेशन बाकी है और वो ख़त्म हो जाएगा बस 10 मिनट में। उसके बाद मैं जा रहा हूँ जिम, मैं रेडी हो गया हूँ, मैंने शूज़ वगैरह डाल लिए हैं। और ये अभी 10 मिनट का ब्रेक इन्होंने लिया था, जो हमें सेशन दे रहे थे उन्होंने 10 मिनट का ब्रेक लिया है। अब वापस से ये शुरू करेंगे और 10 मिनट का Q&A सेशन होगा, उसके बाद सेशन हो जाएगा ख़त्म। तो बेसिकली ये पूरी जो ट्रेनिंग है, ये कोर्स जो था वो एक दिन का था। इससे हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा और इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइसेंस कि अगर आप कहीं भी रेस्टोरेंट या फिर कोई भी फूड आउटलेट खोलते हो तो उसमें ये कंपलसरी होता है कि आपको ये वाला जो ट्रेनिंग है वो करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। अभी आ गया हूँ मैं जिम और आज हमने लगानी है पुल वर्कआउट, जिसमें हम बैक लगाएंगे और बाइसेप्स लगाएंगे। आज मैं ट्राई करूँगा 160 kg डेडलिफ्ट में, देखते हैं। लगता है लग तो जाएगा, 150 पे दो निकाल लेते हैं, मैं 3 भी निकाल लेता आराम से, लेकिन मैंने 2 ही करे थे उस दिन। आज देखते हैं, एटलीस्ट 2 तो 160 में भी आने चाहिए। फिर चलो वार्म अप करने जा रहा हूँ मैं और डालते हैं वीडियोस कौन कौन से एक्सरसाइज। अभी किया मैंने ये 160 kg है, उसके 2 रेप्स मैंने निकाले हैं और धीरे धीरे अभी बढ़ाते रहेंगे। मेरी वर्कआउट हो गई है अभी कंप्लीट, मैंने एब्स की कुछ एक्सरसाइजें की हैं और अभी मैं जा रहा हूँ घर। अब मिलेंगे आपको घर पे। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ ओट्स। ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली है और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ बनाना। से ख़त्म करता हूँ और
उसके बाद करता हूँ आप लोगों से बात। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर कर देना। और भाई कमेंट करके बताना कि आपको वो ओट्स की रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही साथ अब मिलेंगे हम कल। चलो बाय।